शर्मा जी का बेटा वर्सेस शर्मा जी का दामाद। आज बाजी मार ली शर्मा जी के बेटे ने। शाबाश डीके, शाबाश, वर्ल्ड कप खेलना है अभी। वर्ल्ड कप का सिलेक्शन पक्का हो गया इसका, ऐसा करके अभी बिग शो सिर्फ नाम के ही है क्या ये? मैक्सवेल या तो मारते हैं या वो आउट हो जाते हैं। आरसीबी की वीक बोलिंग देखकर मुंबई ने सोचा होगा कि चलिए आज तो नेट रन रेट बढ़ा ही लेते हैं। इनकी प्रॉब्लम आज से नहीं है निधि, बहुत टाइम से आरसीबी का यही रोना है। वैसे कोहली को तो पता चल गया है कि अब बुमराह बुमराह क्या क्या कर सकते हैं। बुमराह ने उनको आज गुमराह कर दिया। इंडियन टी20 लीग मैच नंबर 25, मुंबई वर्सेस बेंगलुरु। शर्मा जी का बेटा वर्सेस शर्मा जी का दामाद। 33 चौके और 26 छक्के लगे इस मुकाबले में, उफ। और इस रन फेस्ट की बात करें, हमारे साथ है स्पोर्ट्स कीड़ा के जर्नलिस्ट नीव। हाय नीव, व्हाट्स अप? ऑल गुड निधि, काफी मजा आया इस मुकाबले में। जिस तरह से पूरा मुकाबला अनफोल्ड हुआ, शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी का दामाद, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी, लेकिन आज बाजी मार ली शर्मा जी के बेटे ने और पूरी मुंबई की टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया। सो टू एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस मैच। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मैच की बात। मैच आरसीबी हार गई, लेकिन फैंस खुश होंगे कि कोहली के बिना भी 196 तक पहुंच गए। वन मैन शो। हाँ बिल्कुल, अभी तक कोहली को आप कह सकते हैं इस रोल के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि वो एंकर का रोल निभा रहे हैं, वही इस टीम में चलते जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से कोहली के बिना ये टीम यहाँ तक पहुंची है, ऑल क्रूज लाइक आई वॉन्ट टू गिव टू दिनेश कार्तिक, क्योंकि जिस तरह से वो आज खेले हैं और काफी मजा आया उनकी पारी देखकर। चौके छक्के मतलब वो इतने आराम से मार रहे थे कि उनको वो क्रिकेट की बॉल, वो उनको बास्केटबॉल या फुटबॉल नजर आ रही थी। तो मुझे लगता है बहुत मजा आया उस चीज को देखने में। और हाँ, ये इस टीम के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंड नहीं है। लेकिन इस टीम के लिए एक बुरी बात ये भी है निधि, चलिए फैफ अब दो मैचेस से अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपने वो थोड़े बहुत वो इंडिकेशन दिए हैं कि वो चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में आकर आपको कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक ही बचा रहे हैं। आज रजत पाटीदार से भी हमें वो इनिंग्स देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है, इतने टाइम से वो इनिंग्स नहीं निकल रही थी, उन्हें भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो ओवरऑल मैं कहूंगा आरसीबी ये मैच जरूर हार गई, बट बहुत सारे पॉजिटिव के पास है इस मैच से लेकर जाने। दिनेश कार्तिक वाज 53 नॉट आउट ऑफ 23, दैट वाज टू गुड। इनफैक्ट रोहित भी उनके मजे ले रहे थे स्लिप से, शाबाश डीके, शाबाश, वर्ल्ड कप खेलना है अभी। देखिए रोहित तो अभी कैप्टन है, तो आपको लगता है कि उनके दिमाग में अब डीके है वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, रोहित कैप्टन है और रोहित के सामने ये नॉक आए तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। हालांकि दिनेश कार्तिक काफी प्रोफेशनल क्रिकेटर है और उन्हें भी पता है कि किस तरह से टीम सिलेक्ट होगी या उनका नाम होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है निधि अगर इस तरह का वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो जरूर सिलेक्टर्स सोचने पर मजबूर होंगे दिनेश कार्तिक के लिए। और दिनेश कार्तिक की तो इस तरह की हिस्ट्री भी रही है कि जब भी वर्ल्ड कप ईयर आता है तो उनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी अप हो जाता है, तो इस बार भी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसा कि हमने स्लिप पे भी सुना कि रोहित शर्मा लगातार कह रहे थे इसको वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप का सिलेक्शन पक्का हो गया इसका, ऐसा करके, तो उनको बार बार वो स्लेजिंग, वो फन वे में, वो पॉजिटिव वे में स्लेजिंग भी चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है दिनेश कार्तिक ने जिस तरह की पारी खेली, और ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पिछले मुकाबलों में भी वो जिस तरह से पारी खेलते आ रहे हैं, हाँ बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस प्लेयर है, और मुझे लगता है अगर इसी तरह का वो रोल निभाते रहे तो इंडियन टीम में भी उनको जगह मिल सकती है। लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि वो 12वें ओवर में आकर भी एक फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, नॉट आउट जा सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आरसीबी ट्रिक को मिस कर रही थी, आरसीबी उनको लास्ट के 4 ओवर में बल्लेबाजी करने भेजती थी, लेकिन आज इस तरह से 12वें ओवर में आकर उन्होंने इस मैच में आरसीबी को इतने अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है, तो उसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए दिनेश कार्तिक। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन तो जैसे आपने कहा रजत पाटीदार और फाफ के भी थे, लेकिन एक जन का कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं रहा है, ग्लेन मैक्सवेल। 6 मैचों में सिर्फ 32 रन्स, अभी बिग शो सिर्फ नाम के ही है क्या ये? बिल्कुल निधि, मैक्सवेल से वो मैक्सिमम इनिंग्स हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो दिख ही नहीं रही है। मैक्सवेल या तो मारते हैं या वो आउट हो जाते हैं, और उनका यही जो आप कह सकते हैं फॉर्म है वो बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है। ना उनकी गेंदबाजी चल रही है, आज बल्लेबाजी भी नहीं चली, आते हैं आउट हो जाते हैं, दोबारा पवेलियन चले जाते हैं। इवन जब विल जैक्स को सिलेक्ट किया गया था और कैमरन ग्रीन को बाहर बिठाया गया, तो आई वॉज शॉक
कि ग्लेन मैक्सवेल को बाहर नहीं करा गया है, कैमरन ग्रीन की जो जगह है वो विल जेक्स को दी गई है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि ये गलत है, अनफेयर है, क्योंकि कैमरन ग्रीन फिर भी अच्छा कर सकते थे अपनी फॉर्मर फ्रेंचाइजी के सामने, लेकिन विल जेक्स को लाना वो भी कैमरन ग्रीन की जगह, कहीं ना कहीं ये जो ट्रिक थी वो आरसीबी मिस कर गई। और मुझे लगता है नाउ इट्स अ हाई टाइम जब आपको ग्लेन मैक्सवेल को बाहर बिठाना चाहिए। वैसे फैंस विल जैक्स के बारे में कह रहे हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, और उन्हें ड्रॉप किया है कैमरन ग्रीन को, वो भी वांखेड़े में। लाइक यू सेड, ग्रीन लास्ट स्कोर्ड 100 एट वांखेड़े अपने लास्ट मैच में, एंड ही एवरेजेस 76.33 स्ट्राइकिंग एट 170+। ये आरसीबी मैनेजमेंट क्या सोच रही है? आरसीबी मैनेजमेंट, निधि हम पहले भी बात कर चुके, दे आर कंप्लीटली क्लूलेस। खिलाड़ियों को लाते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि किस खिलाड़ी के बदले वो खिलाड़ी आपको लाना है। विल जैक्स डेफिनेटली वोंट जैक्स टुनाइट, क्योंकि आज वो नहीं कर पाए उस तरह का डिलीवर जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। बट मुझे लगता है पहला ही मैच था, बहुत सारी उम्मीदें उनसे हैं, आपको एक खिलाड़ी को कुछ मैचेस देने पड़ेंगे, लेकिन कैमरन ग्रीन की जगह तो आप उनको नहीं ला सकते फॉर श्योर। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को आप बाहर बिठाइए, और मैं चाहता हूँ अगले मैच में फैब टू प्लेसी जो इस टीम के कैप्टन है वो थोड़ा दिमाग लगाकर इस चीज को सोचें कि कैमरन ग्रीन अपनी फॉर्मर फ्रेंचाइजी के सामने परफॉर्म कर सकते थे। वांखेड़े में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैमरन ग्रीन, जो कि मुंबई की टीम को इतने अच्छे से जानते हैं, जो कि बुमराह को इतने अच्छे से जानते हैं, वो उन्हें यहाँ पर बाहर बिठा दिया जाएगा और ग्लेन मैक्सवेल को खिलाया जाएगा जिनका फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है। तो ये बहुत अजीब सी चीज है जो आरसीबी के मैनेजमेंट से देखने को मिल रही है, और अगर इसी तरह से कुछ स्टूपिड डिसीजंस लिए गए तो आई डोंट थिंक सो कि दिस ईयर गोना बी समथिंग डिफरेंट फॉर देम, क्योंकि ये ईयर भी वैसा ही रहने वाला है, सिर्फ वो स्लोगन चलेगा इस साल कप नाम दे, बट आई डोंट थिंक सो दे गेट दिस कप इवन एट दिस टाइम। आई थिंक अब वो स्लोगन चेंज हो गया ना, इस साल कप नहीं। हाँ, ये तो खुद फैब टू प्लेसी भी बोल चुके हैं, उन्होंने पिछले साल भी ऐसा ही एक इंटरव्यू में वो गलत स्लोगन पढ़ दिया था, और वो तब से अब तक वो सच ही चल रहा है। गलत नहीं बोला था उन्होंने, एक्चुअली सही बोला था, हम गलत समझ के चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है फैब टू प्लेसी जानते थे कि उनकी कप्तानी में तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इस तरह के स्टूपिड डिसीजंस लिए जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाली आरसीबी। चलिए आरसीबी की बैटिंग की बात तो कर ली, मुंबई की बैटिंग की भी बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा 38 of 24, ठीक है थोड़ा स्लो खेले, बट उन्हें पता था कि ईशान किशन इज इन रेड हॉट फॉर्म, तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। ईशान किशन 69 of 34, अभी भी चांस है T20 वर्ल्ड कप में उनका। बिल्कुल निधि, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज द की टू गेट अ लाइक टू गेट अ बर्थ देयर इन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपके सामने जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। आपके सामने केएल राहुल है, आपके सामने ऋषभ पंत है, आपके सामने ध्रुव जुरेल का भी ऑप्शन है, और आप भी उसी एक लाइन में उसी कतार में लगे हुए हैं। संजू सैमसन का नाम फिर वहां पर आता है, तो जब इतने सारे विकेट कीपर बैटर्स हो जाते हैं, ओपनिंग पोजिशन के लिए ऑलरेडी नाम फिक्स्ड है, वहां पे पता है सबको यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा ओपन करेंगे, तो मुझे लगता है आज ईशान किशन का जो पहला 50 आया है इस सीजन का, इस इंडियन T20 लीग के 17th एडिशन का, वो उनको एक अच्छा आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव, यहाँ से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। 69 रन जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि अब ईशान यहाँ से अपनी कंसिस्टेंसी को किस तरह से बरकरार। T20's बेस्ट बैटर इज बैक एंड हाउ, स्काई इज बैक, 50 in 17 बॉल्स, दैट वाज आउटस्टैंडिंग नीव। हाँ बिल्कुल, 17 बॉल्स में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी, एंड दैट इज द पर्सनल सेकंड हाईएस्ट लाइक जो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है 17 बॉल्स में, तो मुझे लगता है स्काई का वापस अपनी फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टीम के लिए नहीं, एमआई के लिए नहीं, बल्कि इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आप कह लीजिए ओडीआई फॉर्मेट में उनको बहुत बार ट्राई किया गया है बट वो नहीं चल पाए वहां पर, और ये हमेशा से उनको क्रिटिसाइज किया गया कि वो एक ही फॉर्मेट के प्लेयर है विच इज T20, और अब T20 इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। दिल्ली के अगेंस्ट वो प्रदर्शन नहीं निकल कर आया था, लेकिन उनको सिर्फ एक मैच लगा, लेकिन आज उन्होंने उस मैच के बाद जिस तरह से अपनी इंजरी से वापसी करी है, मिस्टर 360 डिग्री का जो आप उनको एक टैग देते हैं वो टैग आज उन्होंने जस्टिफाई करा है, तो मुझे लगता है उनका टीम में आना और इस फॉर्म में उनका रहना ये MI को बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर देता है, और ना सिर्फ MI को, सिर्फ MI नहीं इंडिया को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, वर्ल्ड कप आ रही है भाई। बिल्कुल, अब ब्लू जर्सी जो है वो हम लेकर चले तो दोनों ब्लू जर्सी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है स्काई ने आज इस तरह की इनिंग खेली, आई मीन
मजा आ गया उस इनिंग को देखकर निधि, और मैं चाहता हूँ आगे भी मैचेस में, अभी सीएसके से मुंबई को भिड़ना है तो वहां पर भी स्काई की यही स्काई वाली पारी जो है वो देखें। लेकिन ये आपने नोटिस किया क्या, हार्दिक पांड्या आते ही सिक्स, तिलक भी फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री, मतलब आरसीबी की वीक बोलिंग देखकर मुंबई ने सोचा होगा कि चलिए आज तो नेट रन रेट बढ़ा ही लेते हैं। बिल्कुल, आरसीबी ने देखिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देती है, और आरसीबी ने एक मोमेंट पर आकर छोड़ दिया था ये मैच, क्योंकि उन्हें पता था इतने रन बनाने के बावजूद भी आपके बॉलर्स नहीं चलते, मुंबई की जो पिच है वो तो वैसे ही ग्रेवयार्ड माना जाता है बॉलर्स के लिए, लेकिन बिल्कुल इनके बॉलर्स नहीं चले। इनकी प्रॉब्लम आज से नहीं है निधि, बहुत टाइम से आरसीबी का यही रोना है कि इनकी बॉलिंग नहीं चलती, अच्छे बॉलर्स लेते हैं, पता नहीं, आई थिंक जो चीजें दिल्ली के साथ होती हैं वो शायद आरसीबी के साथ भी हो रही हैं, चीजें नहीं चल रही हैं, क्लिक नहीं हो रही। बॉटम ऑफ द टेबल फ्रेंड्स, सब हंसी की वाली बात है, मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है, बट स्टिल मुझे लगता है कहानी बहुत सेम है काफी हद तक। प्लेयर्स अच्छे होते हैं, यही प्लेयर्स किसी और टीम में चले जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बॉलर्स इनके पास अच्छे हैं, रीस टॉपली की बात कर लीजिए, मोहम्मद सिराज इनके पास है, विजय कुमार विशाख ने अच्छी गेंदबाजी की है इनके पास, अगर आप बात करें ग्लेन मैक्सवेल भी ऑप्शन थे, तो एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है, लेकिन फिर भी ये टीम नहीं चल रही है, और आज जिस तरह से इनको रन पड़े हैं बहुत आसानी से इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, जो कि लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी आसानी से जीता वो ये दिखाता है कि आरसीबी का बॉलिंग फेलियर ही है, जिस वजह से मुंबई इंडियंस आज 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत पाई। बुमराह वन द बैटल वर्सेस विराट, इनफैक्ट हमने प्रीव्यू में ही बोला था दैट दिस वुड बी द बैटल टू वॉच आउट फॉर, 4 ओवर्स 21 रन्स 5 विकेट्स, फिर भी 196 तक का टोटल पहुंच गए थे, डू यू थिंक एमआई की बॉलिंग इज कंप्लीटली टूथलेस विदाउट बुमराह? हाँ निधि, कह सकते हैं जिस तरह से देखिए मुंबई के पिच पे तो वैसे भी रन ज्यादा पड़ते हैं, बुमराह की तो क्लास ही अलग है, आप उनको उस क्लास में काउंट कर ही नहीं सकते, मतलब वो तो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो मतलब पिच से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पिच उनके अगेंस्ट खेल रही है या उनके फेवर में खेल रही है, उन्हें उस बात का फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इतना देखते हैं कि वो अपने टैलेंट को और अपनी कैपेबिलिटीज को किस तरह से बैक करते हैं, और वही बुमराह की यूएसपी है। और देखिए जब बुमराह इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो दिखता है कि बिल्कुल एक अलग बॉलर नजर आते हैं, अगर आप एमआई की बॉलिंग यूनिट को देखें ना तो ऐसा लगता है कि बुमराह एक अलग पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं और बाकी सारे बॉलर्स अलग पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बुमराह की आपने वो टो क्रशिंग यॉर्कर देखी होगी जहां पे महिपाल लोंगरोल पूरी तरह से मतलब चौंक गए थे, कई देर तक अपने टो को लेकर बैठे रहे, वो इतनी बुरी तरीके से वो यॉर्कर उनके पैर पर लगी थी, और इसी के लिए बुमराह जाने जाते हैं, 5 विकेट आज उन्होंने ली और उन्होंने 5 इंडियन T20 लीग में विराट कोहली को अपना शिकार भी बनाया, मतलब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की इस जंग में आज बुमराह बाजी मार गए, और उन्होंने ये दिखा दिया कि वर्ल्ड का कितना ही बड़ा बल्लेबाज उनके सामने क्यों ना हो, जो कि आज विराट कोहली थे, लेकिन बुमराह के पास उस तरह की एबिलिटी है कि वो किसी भी बल्लेबाज को किसी भी दिन इसी तरह से आउट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है मुंबई की जो बॉलिंग है वो काफी डिपेंडेंट है बुमराह पर, लेकिन इनको अगर अच्छा करना है इस टूर्नामेंट में तो ना सिर्फ आरसीबी के अगेंस्ट बल्कि आगे आने वाली टीम्स के अगेंस्ट भी इनकी अपनी बॉलिंग को अप करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप चैंपियन तभी बनते हैं जब आप अपने सभी बॉक्सेस को टिक रखते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मुंबई काफी अच्छी नजर आ रही है, बैक टू बैक 2 जीत इनको मिल गई है, मोमेंटम की बात होती है तो मोमेंटम तो इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है आगे ये साइड और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जाएगी। वैसे कोहली को तो पता चल गया है कि अब बुमराह बुमराह क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, बुमराह ने उनको आज गुमराह कर दिया, मतलब बुमराह को मैंने बहुत बल्लेबाजों को गुमराह करते देखा है, बट आज इंडियन टी20 लीग में जब स्टैट पता लगा कि कोहली का 5 वो शिकार कर चुके हैं तो लाइक आई एम शॉक कम्प्लीटली, कि मतलब कोहली को इतने ही बार फंसाना, एक ही बॉलर इतनी बार उनको टारगेट कर चुका है, तो कोहली के ऊपर वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज आज बुमराह के पास था, 4 पहले कर चुके थे, आज 5वीं बार हुआ, तो मजा आया इस जंग को देखकर, और एट द एंड ऑफ द मैच इस मैचअप को जो जीता वो बुमराह ने जीत लिया। नहीं, आरसीबी बॉलिंग की क्या ही बात करे, कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जिसने 10 की कम से इकोनॉमी पर रन खर्च करे हो, क्या बात करूं मैं आरसीबी के बारे में बताइए। आपने कहा क्या बात करें, मैं कहता हूं बात करिए ही मत, क्योंकि इनकी बॉलिंग बात करने लायक हुई नहीं आज, लगातार रन इतने पड़े हैं, मतलब आप देख लीजिए, ऑब्वियसली बात है जब 197 का आप टारगेट आपको चेज करना होता है तो रन पड़ते हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है ऐसी चीजें किसी एक गेंदबाज को आप टारगेट करते हैं, बट यहाँ पर हर कोई टारगेट हुआ है आज,
सिर्फ 3 विकेट मिली। आप ग्लेन मैक्सवेल की बात करिए, विल जैक्स की बात करिए, विजय कुमार विशाख की, तो इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है उन्हें, आज रात को नींद भी नहीं आने वाली है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सभी गेंदबाजों को निधि अच्छी खासी पिटाई हुई है उनकी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। और मुझे लगता है कि आरसीबी की जो बॉलिंग है ये शायद उनके लिए बहुत वीकलिंग साबित होगी आगे इस एडिशन में, पूरे एडिशन में, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिताएंगे। मतलब आप समझिए ना कि अगर विराट कोहली नहीं चल रहे लेकिन किसी तरह दिनेश कार्तिक और आपके रजत पाटीदार, फैफ डु प्लेसी मिलकर आपको 196 तक पहुंचा भी रहे हैं, तब भी आपके गेंदबाज उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपके बल्लेबाज 250 का स्कोर बनाए, तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है बॉलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी टीम के लिए, और अगर वो आरसीबी का नहीं चलेगा तो आप मेरे से आज लिखवा लीजिए आरसीबी अगला मैच भी हार रही है, और पूरे टूर्नामेंट में इनकी यही दुर्दशा होने वाली है। तो इनकी बॉलिंग को चलना यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरी होगा। विराट पे डिपेंड नहीं थे, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉलिंग को भी आप थोड़ा सा दुरुस्त करिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दुरुस्त करिए, तभी आप आगे पहुंच पाएंगे इस टूर्नामेंट में। सारे आरसीबी फैंस ने आपका प्रेडिक्शन सुन लिया नेक्स्ट मैच के लिए, लेकिन एमआई फैंस के पास एक क्वेश्चन है, आज भी हार्दिक सिर्फ एक ही ओवर डाले, क्यों? हाँ, हार्दिक ने आज एक ही ओवर डाला, और देखिए बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे लगता है हार्दिक को लग रहा है कि वो थोड़ा सा कैप्टेंसी की तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कैप्टेंसी का उन पर जो कैप्टेंसी की जो जिम्मेदारी है उसको वो अच्छे से चलाए। गेंदबाज के ऑप्शन उनके पास बहुत थे, एज सच उनको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। मुझे लगता है जहां पर फंसेंगे वो वहां पर वो खुद को एक ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि बुमराह अच्छा कर रहे हैं, कोई इससे अच्छा कर रहे हैं, आपके जो गेंदबाज हैं आप बात कर लीजिए, आज अलग अलग गेंदबाज को उन्होंने, श्रेयस गोपाल को आज ट्राई करा, तो आप जैसे जैसे आपके पास गेंदबाज है, आपके पास ऑप्शन है, तो वो जो ऑप्शंस है वो उनके पास बहुत है, और जब इतने सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर छेड़छाड़ करने की जरूरत है। तो हार्दिक को शायद अभी बात समझ में आ गई है कि वो थोड़ा सा कैप्टनसी की और ध्यान देके तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ वो खुद इस चीज में घुसें या फिर खुद बॉलिंग करें। तो अगर वो है तो हार्दिक मुझे नहीं लगता है कोई गलत ऑप्शन है उनके लिए, कोई गलत माइंडसेट है, थोड़ा सा मुझे लगता है इस तरफ उनको जाना चाहिए कि अपनी बैटिंग जो आज उन्होंने अच्छी करने की कोशिश भी करी, आज अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है हार्दिक की तरफ से देखे, तो थोड़ा सा उस पर और ध्यान दें, और अगर अच्छी कैप्टनसी करेंगे एक दो ओवर थोड़ा सा अच्छा निकाल दें, इकोनॉमिकल निकाल दें, और अपनी टीम को अच्छा चलाना, ये सब होगा और बल्लेबाजी अच्छी होगी, तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या वाकई में एक अच्छे कैप्टन साबित होंगे इस टीम के लिए। कैप्टनसी तो इंडियन टी20 लीग में है, लेकिन अभी तो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और उसमें हमें हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर की जरूरत है, तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों में अब उनको जलवा तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ निधि, उस एस्पेक्ट से बिल्कुल उनको जरूरी है बॉलिंग करना, मैंने वही कहा कि आप एटलीस्ट 2 या 3 ओवर आप निकाल कर दीजिए। हाँ, आप 2 या 3 ओवर निकाल कर दीजिए, बल्लेबाजी एक पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा और अच्छी होगी, क्योंकि देखिए मुंबई की पिच ऐसी होती है जहां पर अगर आप मान लीजिए अगर आपको 200 से ऊपर का भी रन चेस करना है ना, या 225 तक का भी, तो वो रन चेस हो जाता है अगर आपकी विकेटें नहीं गिरी होती है, क्योंकि ये पिच ऐसी है जहां पर आसानी से रन चेस होता है, और हार्दिक ने भी आज टॉस जीत कर यही कहा। तो अगर उनका माइंडसेट ये था कि ये रनचेज हो ही जाएगा या इस तरह की बात है, तो बॉलिंग में आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, आप बॉलिंग करिए। और हमने हार्दिक को देखा है इस टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में भी गुजरात के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने खुद से गेंदबाजी की शुरुआत की थी, फिर वो अपने इस कॉम्बिनेशन में चेंज लाते रहे, हर एक नए मैच में नए गेंदबाज से शुरुआत करते रहे। तो मुझे लगता है हार्दिक को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मिडल ओवर्स में, या फिर एक ओवर वो पावर प्ले में करना होगा, खुद के ऊपर वो प्रेशर डालना होगा, क्योंकि जितना प्रेशर में खुद को सेकेंगे तपेंगे उतना ज्यादा अच्छे कप्तान और अच्छे प्लेयर इंडियन टीम के लिए बनकर उभरेंगे। और जो उनका चोट के बाद ये 3.0 वर्जन देखने को मिला है, थोड़ा और बेटर हो सकता है, तो हाँ उस एस्पेक्ट से, इंडियन टीम के एस्पेक्ट से, एक और ब्लू जर्सी के एस्पेक्ट से मुझे लगता है उनको थोड़ा सा इस पर काम करने की जरूरत है, जहां पर उन्हें एक ऑलराउंडर की तरह देखा जा रहा है। चलिए इस मैच की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कल के मैच की, लखनऊ और दिल्ली, विच इज दैट वन प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर। कल का मैच काफी एक्साइटिंग रहने वाला है, लाइक जस्ट हैविंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड ओवर हियर। देखिए कल का मैच दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट होगा, लखनऊ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हैट्रिक लगाकर आ रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली की गाड़ी पटरी से उतर गई है, मेट्रो ट्रेन जो है अभी, तो वो थोड़ी पटरी पर लानी होगी। लेकिन एक बैटल जो मैं देखना चाहता हूँ वो है निकलस पूरन वर्सेज खलील अहमद की बैटल। द रीजन बिहाइंड, निकलस पूरन अच्छी फॉर्म में है इस टी20, इस इंडियन टी20 लीग में,
उसके साथ साथ बात करें खलील अहमद की, लेफ्ट आर्म पेसर है, काफी अच्छी गेंदबाजी की है कुछ मुकाबलों में, और उनको इंडियन टीम के लिए भी सोर्सेज बता रहे हैं उस हिसाब से देखा जा रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इन दोनों की ही बैटल देखने के लिए हम सब एक्साइटेड रहे, क्योंकि देखिए एक स्टैट मैं आपको देता हूँ, निकलस पूरन ने खलील अहमद के सामने 191 के मैसिव स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वहीं पर अगर मैं बात करूं खलील अहमद की, तो ऐसा नहीं खलील अहमद ने उनको छोड़ दिया है, खलील अहमद ने भी उनको दो बार आउट करा है इंडियन टी20 लीग में। तो जब इस तरह की बैटल होती है निधि, मतलब दोनों प्लेयर एक दूसरे के पास एक दूसरे पर इक्वली भारी पड़े हैं, तो कल की इस जो बैटल होगी, इस जंग होगी, उसमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारेगा। क्या निकलस पूरन उन पर उस तरह से हावी होने का ट्राई करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो दोनों खिलाड़ियों के पास है। ऐसा नहीं कह सकते कि निकलस पूरन का पलड़ा भारी है इस बैटल में या फिर खलील अहमद का पलड़ा भारी है। तो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा, और खलील अहमद तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ फैन ऑफ दिल्ली कि कल वो निकलस पूरन को आउट कर लेंगे और सस्ते में उनको निपटा देंगे, तो मैं एक्साइटेड हूँ इस बैटल को देखने। ठीक है, तब हम दोबारा बात करेंगे। अंटिल देन थैंक यू सो मच नीव फॉर जॉइनिंग अस, लाइक ऑलवेज दिस वाज ग्रेट फन। थैंक यू सो मच निधि फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड एब्सोल्युटली इस मैच के बारे में तो हमने बात की, बट आगे भी इसी तरह से मैच की बात पर वी विल डिस्कस सम एक्साइटिंग मोमेंट्स एंड स्टैट्स ऑफ दिस लाइक एवरी मैच। Awesome. Thank you so much, Neef. Thank you so much, Neef. Thank you. देखते हैं कि नीव की प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं। Until then, मैं हूं निधि और ये है आपका अपना शो मैच की बात, The show for the fans, of the fans and by the fans. Please ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे YouTube एंड Facebook पेज को। Bye.